दोस्तों आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th के अध्याय एक वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। हम अपने अगले वीडियो में दो क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और तीसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे, इसलिए हम इस वीडियो में तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरे का पहला हमें सिद्ध करना है कि √2 संख्याएँ अपरिमेय है या अपरिमेय संख्या है, दोनों बात एक ही है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले यदि संभव हो तो 1/√2 परिमेय संख्या है। हम 1/√2 को बराबर नीचे लिखकर r मान लेंगे। यदि अगर केवल √ अगर 5 रहता है या √2 रहता है या √3 रहता है तो हम इसे p/q के रूप में मान लेंगे। सबको p बाई, अगर मान लीजिए अगर 2/√5 रहता है तब हम इसे r मानते हैं, या 7/√2 रहता तब हम इसे r मानेंगे, ठीक है। या इस प्रकार है 5+2√ इसको हम r मान लेंगे। चलिए इसको सीख करें, तो हमने इसको r लिख दिया, अब इसको पछाण कर लेंगे तो हो जाएगा तीसरा तीसरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुणा होगा। अब हम आर को इधर ला लेंगे बराबर √2 लिखेंगे। अतः √2 एक अपरिमेय में संख्या है, लेकिन 1/r एक परिमेय संख्या का भागफल है। नीचे लिखेंगे इसलिए 1/r एक परिमेय संख्या है। अब उसके नीचे लिखेंगे चूंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है, हम चलेंगे तो हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 1/√2 अपरिमेय संख्या है। प्रूव। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन 7/√5 सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि अगर देखिए इसी टाइप का है तो इसको हम आर मानेंगे, तो हम भी इसको आर मान लेंगे। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इसमें भी पहले की तरह यदि संभव हो तो 7/√5 एक परी में संख्या है। आपको ध्यान रहे कि अगर ये 7 ना रहे और ये 5 अगर सिंगल रहे तो इसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसे हम r लिखेंगे। अब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो यह √5 ये गुणा के रूप में तो इधर आएगा, बराबर की जगह तो भाग के रूप में हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः √5
एक कपरी में संख्या है, लेकिन आर बाई सेवन एक परी में संख्या का भागफल भागफल है, इसलिए आर वाई सेवन एक परी में संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का भागफल हरदम परिमेय ही होता है, इसलिए नीचे लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या बराबर और परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि अमान्य है, जो अमान्य अमान्य है। हम लिखेंगे तो हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ ये भी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है तीसरे क्वेश्चन में 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्व कर लेंगे। पहले ही की तरह लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना 6+√2 एक परी में संख्या है, 6+√2 बराबर आर मान लेंगे, अब इसे हम पक्षांतर करेंगे तो √2 को इधर ही छोड़ देंगे और 100 को बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। अब नीचे लिखेंगे अतः √2 एक अपरी में संख्या है, लेकिन आर माइनस 6 परिमेय परिमेय संख्या का घटाव है, इसलिए ये परिमेय हो गया, इसलिए आर माइनस 6 एक परिमेय है। हम नीचे लिखेंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो कि कभी भी संभव नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे जो असंभव है। हम नीचे लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए
प्लस अंडर रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो गया, और अगले एक्सरसाइज 1.4 को हम अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।